ये आवश्यक है कि इस प्रकार की घटनाएं होना हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, विश्वविद्यालय परिवार के लिए भी वाकई ये चिंता का विषय है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं जब हो रही हैं तो इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटनाएं हो क्यों रही हैं। क्या छात्र इस प्रकार से इस कट गया है, क्या वो अपने विश्वविद्यालय परिवार में अपने दुख को बता नहीं पा रहा है, या विश्वविद्यालय परिवार उसके दुख को समझ नहीं पा रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। आज जो घटना घटी उस घटना के पीछे हालांकि कारण ये रहा था कि वह छात्र व्यसनों से युक्त था और उसकी संगति कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई थी। जहां तक उसके परिजनों से बात हुई, उसके पिताजी ने बताया कि अभी उसने हाल ही में 2 लाख रुपया फीस की डिमांड की थी, जबकि विश्वविद्यालय की फीस मात्र 65,000 रुपये है, और 2 लाख रुपया मांगा था उसने अपने परिवार से, और उसने कोई बाइक भी खरीदी थी अपने साथी के साथ मिल करके। ये सब दबाव और परिवार से कटने का कारण है। उसके पिताजी ने बताया कि वो उनको छोड़ करके परिवार में किसी भी सदस्य से बात नहीं करता था, तो इससे कटने का कारण रहा है कि वह डिप्रेशन। कुछ प्रदर्शन भी हुए थे और कुछ उनकी मांगे थी, क्या प्रमुख मांगे थी? देखिए, विश्वविद्यालय में ये घटना सुनने के बाद छात्र आंदोलित हो गए। जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो उनकी मांग ये थी कि कोई कह रहा था कि एम्बुलेंस 45 मिनट में आई, कोई कह रहा था कि एम्बुलेंस 1 घंटे बाद आई। जो रूममेट थे जिन्होंने छात्र को हॉस्टल में ले जा करके, हॉस्टल से ले जा करके अस्पताल में पहुंचाया, जब मैं उनसे वार्ता किया, मैं 3 घंटे तक अस्पताल में रहा, तो ये पता चला कि जिस छात्र से मेरी बात हुई उसने कहा कि 2:40 पर उस बच्चे को फ़ोन आता है, 2:41 पर वह वार्डन को फ़ोन करता है, 2:43 पर वार्डन वहाँ के ड्राइवर को फ़ोन करते हैं, और वह बच्चा वो विगत 1 किलोमीटर की दूरी जब तक तय करता है तो एम्बुलेंस वहाँ खड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं ये विषय निराधार था कि एम्बुलेंस लेट पहुँची थी, एम्बुलेंस समय से पहुँची थी, परंतु छात्रों की यह मांग जायज है कि मेडिकल की सुविधाएं विश्वविद्यालय में होना अति आवश्यक है, जो कि उपलब्ध नहीं थी, उसे दूर जाना पड़ा। प्लेसमेंट की भी स्थिति विश्वविद्यालय में उचित नहीं है, लेकिन लोग प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि कितना बेहतर वो बना सकते हैं। प्लेसमेंट को लेकर छात्रों को कहा जाए कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, प्लेसमेंट विश्वविद्यालय की बड़ी समस्या है कि उतनी लंबी फीस देने के बाद छात्र पढ़ने के लिए आता है, उसके कुछ सपने होते हैं, वो कोशिश करता है कि पढ़ लिख करके हम कहीं नौकरी करेंगे, कहीं रोजगार करेंगे, कहीं स्वावलंबन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जब वह प्लेसमेंट नहीं पाता, जब वह पढ़ाई के बाद निकलता है और उसके पास कुछ नहीं रहता, सिर्फ कागज़ की वह डिग्रियां रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका मन परेशान होता है और फिर वह डिप्रेशन का शिकार होता है। यूनिवर्सिटी को कोई कदम भी उठाना चाहिए छात्रों के मनोरंजन, बिल्कुल उठाना चाहिए उनकी एकता के लिए और उनकी जो समस्या। मुझे लगता है जो विश्वविद्यालय में मैं देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को लेकर के डिपार्टमेंट में ही बच्चों का एक दूसरे से मेल जोल नहीं है, यह अपने विश्वविद्यालय के लिए कहीं ना कहीं दुखद विषय है। मैं विश्वविद्यालय से यह मांग भी करता हूं और विश्वविद्यालय को इस पर ध्यान भी देना चाहिए कि छात्रों को एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाने चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, और उनके लिए मनोरंजन के साधन जैसे फ्रेशर्स हैं, फेयरवेल हैं, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आप उसको लेकर के कुछ ऐसे नियम बनाइए कि बच्चों को सहूलियत के साथ वो उपलब्ध हो सके। क्योंकि मैं जो देखता हूँ एज ए छात्र नेता, मैंने ये देखने की कोशिश की है कि छात्र कागज़ का पन्ना लेकर के एक दूसरे डिपार्टमेंट में दौड़ता रहता है, वो चाहता है, वो स्वयं से चाहता है कि मैं कार्यक्रम कराऊं, मैं अपने छात्रों के मनोरंजन के लिए कुछ करूं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया इस पर जब उदासीन रहता है तो कहीं ना कहीं छात्र का मनोबल टूटता है। इस पर ध्यान देकर के विश्वविद्यालय प्रशासन को ये चीज़ें सुधार में लानी चाहिए, जिससे कि अन्य आगे से ऐसी कोई घटना हमारे विश्वविद्यालय में कारित न हो।